वेलकम टू लेवन होम थिएटर फ्रेंड्स, मैं हूं सुधा सिंह। बॉलीवुड की चटपटी खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के बॉलीवुड बस पे। चलिए एक नजर डालते हैं आज के बॉलीवुड बस पे। अपने मस्त मस्त दोनों से सोनाक्षी सबको घायल कर चुकी हैं। अपनी नजाकत भरी खूबसूरती से सबको अपने मस्त मस्त दोनों से सोनाक्षी सबको घायल कर चुकी हैं। अपनी नजाकत भरी खूबसूरती से बैडमैन फंसे विवादों में। इसके साथ ही और भी कुछ चटपटी खबरें हम लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ लेमन होम थिएटर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सफर। सोनाक्षी सिन्हा की गिनती यूं तो खूबसूरत हीरोइंस में की जाती है, लेकिन एक वक्त था जब वो नहीं मानती थी खुद को खूबसूरत। अपने मस्त मस्त दोनों से सोनाक्षी सबको घायल कर चुकी है। अपनी नजाकत भरी खूबसूरती से सबको अपने मस्त मस्त दोनों से सोनाक्षी सबको घायल कर चुकी है। अपनी नजाकत भरी खूबसूरती से सबको दीवाना बना चुकी है। दुनिया चले पछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। लेकिन सोने से बदन वाली सोनाक्षी एक वक्त पर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार थी। जी हां, आज अपने कर्वी फिगर से सबको दीवाना बनाने वाली सोनाक्षी नहीं समझती थी खुद को सिल्वर स्क्रीन के लायक। भला ऐसे मुनासिब होता भी कैसे? 80 किलो के वजन के साथ उन्हें कौन एज अ हीरोइन एक्सेप्ट करता? लेकिन मैडम ने हार नहीं मानी और घटा लिया अपना वजन पूरे 30 किलो। ओवरवेट सोनाक्षी बन गई एकदम हिट फिट फिगर वाली एक्ट्रेस। बैलेंस डाइट और कड़ी कसरत और नतीजा सबके सामने है। ये मैडम की पुरानी तस्वीर है जिसे देखकर यकीन नहीं होता कि ये वही सोनाक्षी है। फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में भी सोना मैडम ने ये बात कबूल की है कि वो खुद को एक जमाने में खूबसूरत नहीं मानती थी। वेल, मानना पड़ेगा आपको सोनाक्षी, डेडिकेशन हो तो आपके जैसा। आपने जिस तरह खुद को एक खूबसूरत लड़की में कन्वर्ट किया है वो काबिले तारीफ है।
शिल्पा रोंघे, लेमन न्यूज, मुंबई। यूं तो बॉलीवुड में फिल्म स्टार्स के कोल्ड वॉर की खबरें हमेशा सुनने को मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दो स्टार्स में होती है सिर्फ दुश्मनी। जी हाँ, आइए आज आपको दिखाते हैं बॉलीवुड स्टार्स की ये दोस्ती। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी। कौन कहता है कि दो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में होता है सिर्फ कोल्ड वॉर? रोल के लिए उनके बीच होती है कैट फाइट, वो काटते हैं एक दूसरे का पत्ता। अगर आप भी सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं, तो आपकी सोच पूरी तरह सही नहीं है। बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जिन्होंने कायम की है दोस्ती की मिसाल। अब करीना और अमृता अरोड़ा को ही देख लीजिए, इन दोनों ने साथ साथ की है कमबख्त इश्क और गोलमाल रिटर्न्स जैसी फिल्में। साथ ही एक दूसरे के फैमिली फंक्शंस में भी लेती हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा। फिल्म ब्रेक के बाद बॉलीवुड में हुई दो स्टार्स के बीच दोस्ती, वो स्टार्स थी दीपिका पादुकोण और शाहना गोस्वामी। बॉलीवुड बालाओं के अलावा फीमेल और मेल सेलिब्रिटीज के बीच भी दोस्ती की चर्चा खूब है। ऐसे ही दोस्त है ऑन स्क्रीन हिट पेयर जूही चावला और आमिर खान। वहीं फिल्म बाजीगर से शुरुआत हुई काजोल शाहरुख की दोस्ती ने जता दिया विदाउट अफेयर एक लड़का और लड़की भी हो सकते हैं अच्छे दोस्त। शादी के बाद भी काजोल एसआरके की अच्छी दोस्त हैं और ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर भी है 100% हिट। ये तो हुई दो बॉलीवुड स्टार्स के बीच की दोस्ती की बात। बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स और डायरेक्टर हैं जो नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के बिना काम। इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का फायदा फिल्मों को भी मिला है, जैसे रोहित शेट्टी और अजय देवगन, जिन्होंने गोलमाल सीरीज और बोल बच्चन और सिंघम जैसी फिल्में दी हैं। वहीं करण जौहर और शाहरुख की दोस्ती का जो सिलसिला कुछ कुछ होता है से चल पड़ा है, वो माय नेम इज़ खान तक जारी है। ऐसे ही दोस्तों में शामिल है अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर। बहुत ही कम उम्र में इन दोनों की जोड़ी ने दी दो हिट फिल्में, वेकअप सिट और जवानी दीवानी। दोनों ने शो कॉफी विद करण में अपनी दोस्ती के बारे में बातें की थी। कुछ ऐसी ही दोस्ती है फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन की। फरहान ने न सिर्फ फिल्म लक्ष्य में ऋतिक को डायरेक्ट किया, बल्कि साथ ही दोनों नजर आए फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में। वहीं बॉलीवुड में कुछ कपल्स ऐसे भी हैं जो ब्रेकअप के बाद भी हैं अच्छे दोस्त, जैसे सलमान खान और कैटरीना कैफ। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, जिन्होंने ब्रेकअप के बाद भी किया एक दूसरे के साथ काम और कायम की दोस्ती की मिसाल। वेल, हम तो यही कहेंगे कि बॉलीवुड में हो सिर्फ प्यार और नो टकरार, दोस्ती की ये बहार यूं ही चलती रहे। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए शिल्पा रोंघे, लेमन न्यूज, मुंबई। अरे यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है। वेल, लेमन होम थिएटर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार और भी खबरें हैं जो कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार। समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस, लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर।
जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बंपर माना जाए। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंगरे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमरीकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। वेलकम बैक टू लेमन होम चैटर। आइए देखते हैं लापतागंज में कैसे की मामा ने मस्ती। तो चलिए ले चलते हम आपको सीधे लापतागंज के सेट पर। जहां लापतागंज में एक तरफ मायूसी छाई हुई है वहीं मामा को मस्ती सूझ रही है। जी हां, लापतागंज में लापतागंज वासी मामा को लेकर काफी चिंतित दिख रहे हैं। वही मामा है कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें अब भी मस्ती के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा। अरे भाई, ये क्या हो रहा है भाई? हम अंदर बैठे थे, कपड़े बदल रहे थे, तभी धड़धड़ाते ये घुस गए। हमने कहा धड़धड़ा के तो पिताजी घुसते थे, वो भी पड़ोसन के घर में, लेकिन जब पड़ोसी को देखते थे तो बड़बड़ा के बाहर चले जाते थे। लेकिन क्या बताएं भाई, इनसे मिलना हमें अच्छा लगा क्योंकि लेमन न्यूज अपने आप में कमाल की न्यूज है। वैसे लेमन न्यूज पर इंटरव्यू तो पिताजी दिया करते थे और यही लिया करते थे। अब ठीक है, अब ये हमारे पास आए हैं कि आप भी इंटरव्यू दे दो तो हम देते हैं। हाँ बताइए भाई, सीन में ये चल रहा है कि हम जैसे तीन तीन आ गए हैं लापतागंज में। एक डॉन आ गया, एक डॉन का जो काम करने वाला है वो आ गया है, और एक मामा खुद है। अब कन्फ्यूजन ये पैदा हो रहा है कि आखिर असली मामा कौन है और हीरे किसने चुराए हैं। ये हम नहीं बताएंगे कि हीरे किसने चुराए हैं। भाई देखो, ऐसा है, निगाहों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, है ना। अगर राज खुल गया तो फिर आप देखेंगे क्या। ये मामा का दूसरा रूप है और बहुत ही जबरदस्त रूप है। ऐसे रूप में आपने पहले कभी मामा नहीं देखा होगा। सब लोग अपना अपना शक कर रहे हैं कि ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन किसी को पता नहीं लग रहा है कि असली मामा है कौन सा। भाई ये है कि शक तो कोई भी कर सकता है, शक तो हम भी कर रहे हैं खुद ही। क्या हम ये हैं? नहीं नहीं, हम वो हैं। नहीं नहीं, हम खुद हम ही हैं। अब हमें खुद ही नहीं मालूम हम हैं कौन से। बिल्कुल बराबर, बस देखते रहिए। अभी IPL खत्म हुआ है, अब जो कमाल कमाल की चीजें आप देखेंगे, बेहतरीन देखेंगे। जहां मामा को आ रही है मस्ती, वहीं मुकुंदी लाल की गुल हो गई है बत्ती। मुकुंदी की बत्ती गुल होने का कारण है उनके कीमती हीरे जो चोरी हो गए हैं। मुकुंदी का शक है कि उनके चोरी हुए हीरे मामा ने चुराए हैं। मामा को लेकर बहुत चिंतित है, कहा है कि लापतागंज में पिताजी सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ससुरे हमारे हीरे चुरा के भाग गए। मामा है, कोई और है या कोई तीसरा और है, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत दुख है। अगर कहीं मामा हीरा चोर निकला तो लापतागंज में सब उसको पीट पीट के मार देंगे, लेकिन हम तो मामा को खो देंगे ना। लेकिन हमरे हीरे, हमरे डाक बाबू तो हमको छोड़ेंगे नहीं। बहुत चिंतित है, कसम से बहुत चिंतित है। लापतागंज में बहुत अजीब सा माहौल है, काहे कि हमरे 10 लाख के हीरे जो हमरे किसी व्यापारी के आए थे डाकखाने में, वो देने थे किसी को, तो मामा चुरा के भग लिया उसको रात को। अब चिंता, वो हीरे नहीं मिले तो हमरा तो सभी कुछ बिक जाएगा। हमरे तो आगे की पुश्तों तक को जो है पैसे चुकाने पड़ेंगे। भाई सरेआम मामा ने चुराए हैं तो शक तो मामा पर ही जाएगा, और किस पे जाएगा। लेकिन अब कोई हमशकल भी हुआ तो क्या कह सकते हैं। हमशकल तो हमने फिल्मों में देखा है, वैसे तो नहीं देखा। और वहीं मुकुंदी को उनकी नौकरी जाने का भी डर सता रहा है। अब देखते हैं कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए दीपक झा, लेमन न्यूज मुंबई।
यूं तो शक्ति कपूर और विवादों का चोली दामन का रिश्ता है। शक्ति कभी ना कभी विवादों में फंसते ही रहते हैं और अब एक बार फिर से वो फंस गए हैं विवादों में। किसी न किसी विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवुड के बैटमैन एक बार फिर फंस गए हैं विवादों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बैटमैन शक्ति कपूर की, जो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। सुना आप लोगों ने, क्राइम मास्टर गोगो के कारनामे। इस बार उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पर ऐसा कुछ कर दिया है जिससे उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ गया। तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दरअसल शक्ति कपूर किसी काम के सिलसिले से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां वे नो स्मोकिंग जोन में सिगरेट पीते दिखाई दिए और उन्हें वहां का कानून तोड़ने का दोषी भी पाया गया, जिसकी वजह से वे विवादों में फंस गए हैं। मैं अंतर्यामी हूँ, ज्ञानी हूँ। लेकिन शक्ति कपूर ही ऐसे अकेले अभिनेता नहीं जो इन कारणों की वजह से सुर्खियों में छाए हैं। बॉलीवुड में ऐसे कई अभिनेता हैं जो पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते देखे गए हैं और सुर्खियों में छाए रहे। इनमें से अजय देवगन, सलमान खान, रणबीर कपूर और शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार्स का भी नाम शामिल है। और तो और इस मामले में अभिनेता इरफान खान का पहले से ही कोर्ट में केस पेंडिंग है, जहां ये स्टार्स पब्लिक को इसकी नसीहत देते हैं, वहीं दूसरी ओर ये खुद ही कानून तोड़ते पाए जाते हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए शिव यादव, लेमन न्यूज, मुंबई। मुकुंदे की बड़ी परेशानियां और चोरी हो गए हैं उनके हीरे। अब किसने चुराए उनके हीरे, आइए देखते हैं। लापतागंज में हमेशा कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है। अब एक बार फिर लापतागंज में आ गई है मुसीबत। अब ये मुसीबत किस वजह से आई है, चलिए देखते हैं। आखिर मुसीबत की वजह ये है कि मुकुंदी लाल के हीरे हो गए हैं चोरी, जिसे उनके बड़े बॉस ने रखने के लिए दिया था, जो चोरी हो गए हैं। और चोर कोई और नहीं बल्कि मामा है, ऐसा मुकुंदी लाल का मानना है। लेकिन वो चोर मामा के हमशक्ल हैं, ये तो बाद में पता चलता है। एक तरफ जहां मामा को हीरे चोरी के जुर्म में जेल में बंद किया गया था, अब वही मामा ने जेल से भागकर एक और मुसीबत खड़ी कर दी है। और अब देखने वाली बात ये है कि जहां मामा जेल से फरार है, वही मामा का हमशक्ल घुसा है लापतागंज में। अब क्या होगा लापतागंज में, ये तो आगे ही पता चलेगा। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए दीपक झा, लेमन न्यूज, मुंबई। वेल, लेमन होम थिएटर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। यू स्टे विद अस। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस, लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बंपर माना जाए। मरते किसान और सोते। नमस्कार, मैं प्रशांत आंगरे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। लेमन प्राइम टाइम
हर रात 9 बजे। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमरीकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आतंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। वेलकम बैक टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने अपने पापा की तरह अपनी पहली फिल्म में कायम कर दिया है रिकॉर्ड और बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म ने कमा लिए हैं पूरे 40 करोड़ रुपए। फिल्म हीरोपंती से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले टाइगर की हीरोपंती आखिर काम कर ही गई। जी हाँ, पापा जैकी ने जो सोचा था वो टाइगर ने आखिरकार कर ही दिखाया। तेरी हीरोपंती ना मरवाएगी तुझे एक दिन। यार अब क्या करूं, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं। आपको बता दें कि हीरोपंती लोगों को काफी पसंद आ रही है और इस फिल्म ने उम्मीद से भी ज्यादा का बिजनेस कर दिखाया है। टाइगर ने हीरोपंती से अपना डेब्यू किया और इस फिल्म में उनके एक्टिंग को काफी सराहा भी जा रहा है। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने 9 दिनों में 40 करोड़ का बिजनेस कर डाला है। इस फिल्म के गाने लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं। टाइगर श्रॉफ ने इसमें जितने भी स्टंट किए हैं वो सब रियल हैं, जिसे लोगों ने पसंद भी किया है। कुछ समीक्षकों ने तो टाइगर को ऋतिक रोशन से भी किया कंपेयर। दरअसल ऋतिक की पहली फिल्म कहो ना प्यार है भी एक बहुत बड़ी हिट थी। समीक्षकों का कहना है कि टाइगर को ऋतिक की तरह कंप्लीट पैकेज कहा जा सकता है, जिसमें डांस और एक्शन के सारे गुण मौजूद हैं। वैसे इस फिल्म के सक्सेस से साजिद नाडियाडवाला कुछ ज्यादा ही खुश हैं। साथ में इस फिल्म की हीरोइन कृति सनून ने भी अपना डेब्यू इस फिल्म से किया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि टाइगर इस फिल्म के बाद आगे अब कहां नजर आएंगे। अबे लव स्टोरी तो अब शुरू होगी। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए दीपक झा, लेमन न्यूज, मुंबई। आजकल फिल्म एक्ट्रेस में लगी है होड़। किस बात के लिए लगी है ये होड़, आइए जानते हैं। बॉलीवुड डिवास में लगी है पीरियड फिल्म्स करने की होड़। इन फिल्मों में अपना टैलेंट दिखाने के लिए होता है जबरदस्त स्कोप। इन फिल्मों के जरिए वो दिखा सकती हैं कि वो सिर्फ आइटम सॉन्ग और बोल्ड इमेज तक सीमित नहीं है, उनके पास भी है टैलेंट। इन फिल्मों के जरिए वो पहुंचती हैं सीधे लोगों के दिलों तक। जी हाँ, भारत का इतिहास देश के आवाम के दिलों दिमाग तक गहराई तक रचा बसा है। ऐसे में इन फिल्मों से जो प्यार, पब्लिसिटी और अप्रिसिएशन मिलती है उसकी चाह किसे नहीं होगी। जहाँ करीना कपूर फिल्म अशोका में राजकुमारी का रोल प्ले कर चुकी है, तो वहीं ऐश्वर्या अकबर की जोधा का रोल प्ले कर चुकी है। आशुतोष गोवारिकर भी लगान और जोधा अकबर जैसी पीरियड फिल्म बनाकर सात समंदर पार तक अपनी पहचान बना चुके हैं। एक बार फिर वो बनाने वाले हैं पीरियड फिल्म, जिसके लिए शुरू हो गई है एक्ट्रेस की कैट फाइट। आशुतोष गोवारिकर ने एक लंबी रिसर्च के बाद मोहन जोदड़ो का प्रोजेक्ट तय किया है। ये फिल्म 2600 ईसा पूर्व प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है और साथ ही ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। फिल्म के हीरो के तौर पर ऋतिक रोशन उन्हें सबसे फिट लगे हैं, लेकिन फिल्म की हीरोइन अभी तक तय नहीं हुई है। सुनने में आया है कि सोनाक्षी, कैटरीना, करीना और प्रियंका जैसी एक्ट्रेसेस में ये फिल्म करने की होड़ लगी है। कुछ ऐसा ही हाल सलमान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो के लिए भी है। इससे पहले सलमान वीर जैसी पीरियड फिल्म में काम कर चुके हैं। अब देखना ये है कि इस बार बाजी किस एक्ट्रेस के हाथ लगती है।
एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए शिल्पा रोंगे, लेमन न्यूज, मुंबई। पहली बार फगली की टीम आई एक साथ नजर और इस टीम ने किया अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर। पूरी स्टार कास्ट है जिसमें मोहित मारवा, प्रशांत जी और हमारा ग्लैमर क्यारा और अर्फी लांबा और रफ्तार जिसको जानते हो ओबियसली तुम। और हम थाने में आए हैं और बहुत अच्छा लगा मेरे जो एनर्जी थी यूथ की, दैट वाज सो गुड, बहुत मजा आया आप लोग से। मैंने एक ही गाना गाया है ढुकचिक, वो एक हरियाणवी टोन में है, मतलब हमारे गाने की फील थोड़ी नॉर्थ इंडियन है, सॉरी मूवी की फील ही नॉर्थ इंडियन है और वो गाना हरियाणवी है, मतलब बेसिकली हमारा उस गाने में भी स्ट्रक्चर फगली है कि फगली क्या होता है, छोटी मोटी बातें इन्होंने उस गाने को और बेटर बनाया है, सब बहुत अच्छा नाचे, हमने तो आवाज दी है डांस बहुत अच्छा किया सब ने, क्या रहा स्पेशली और मोहित का, तो हम तो स्ट्रगल करेंगे डांस के साथ, बॉक्सिंग कर रहे हैं बट फाइनली हमने हारे पर कर लिया। और छोरा छोरी पट्टी मगन डुपचिक होरी सै, डुपचिक होरी सै, छोरा छोरी पट्टी में रच पच्ची पक्के नच, बड़ी पप्पी जप्पी होरी सै, पप्पी जप्पी होरी सै, छोरा छोरी पट्टी में। थैंक यू। आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि फर्स्ट फिल्म में मुझे इतना ऑपोजिट अपने आप से इतना अलग रोल निभाने को मिल रहा है, बट आई थिंक पहले आज के लिए लेमन होम थिएटर में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बॉलीवुड और टीवी की गॉसिप्स के लिए देखते रहिए लेमन होम थिएटर। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस।